लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का 66वां जन्मदिन पार्टी कार्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद दिखे। आपको बता दें कि शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सम्मानजनक सीटें मिलने पर ही गठबंधन करेंगे, नहीं तो वो अकेले ही चुनाव में जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रसपा के विलय से साफ इनकार किया। लखनऊ से माई भारत के लिए निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रांतीय पदाधिकारियों ने यूपी प्रेस क्लब में बैठक की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने शिरकत की। इसके साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता मानवेंद्र सिंह और संचालन प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह एवं वीरेंद्र सिंह ने की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने कोरोना काल में संगठन में अपना योगदान देने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भी दिया। हम लोग सब मिलके देश को आगे बढ़ावे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो यही सब हमारा कार्यक्रम है, इसमें हम लगे हुए हैं। जो हमारे मेघावी छात्र होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं पढ़ने के लिए। और मैंने अपने जिंदगी में 15 कॉलेज बनाए, 9 स्कूल बनाए, 2 धर्मदा अस्पताल बनाए, एक नई मुंबई में, एक जौनपुर में है। तो जितना जिससे हो सकता है, मेरा सत्कार अमेरिका में हुआ, वहाँ एक राणा एसोसिएशन है, राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो लोग मेरा सत्कार किए। उस कार्यक्रम का उद्घाटन वीके सिंह मंत्री जी ने किया था, उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे और मैं चीफ गेस्ट था। तो आप काम करेंगे तो आपको पहचान होगी। मैं प्रतापगढ़ से सांसद रहा और वहाँ हरिवंश राय बच्चन पैदा हुए थे, बहुत बड़े कवि थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो उन्होंने कविता लिखी थी, मैं 3 लाइन खाली सुना रहा हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। लखनऊ से माई भारत के लिए निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। देश भर के बेरोजगार युवाओं की एक सशक्त आवाज युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम ने लखनऊ में कई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार और सरकारी नौकरियों पर किए जा रहे दावों पर सवाल उठाया है। अनुपम ने सरकार को चेतावनी दी कि खाली पड़े सभी पदों को तुरंत भरा जाए, वरना प्रदेश के युवा एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। युवा हल्ला बोल के नेशनल कोऑर्डिनेटर गोविंद मिश्रा ने यूपी SSSC की अटकी सभी भर्तियों को कैलेंडर जारी करके जल्द पूरी करने की मांग रखी और कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के धैर्य की परीक्षा ना ले। लखनऊ में हम इसलिए आए हैं क्योंकि मैं जहां रहता हूं नोएडा में, नोएडा से लेकर के दिल्ली के ITO तक आप देखेंगे तो एक प्रचार लगा है, वो प्रचार योगी जी का है। योगी जी उस प्रचार में कहते हैं मिशन रोजगार, और मिशन रोजगार में उनका कहना है कि वो 24 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं और 4 लाख लोगों को सरकारी भर्ती के थ्रू दिए हैं, जिसमें SSSC का 16,000 नौकरी होकर। तो कल जो हम उत्तर प्रदेश के प्रेस क्लब में लखनऊ में जो हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, उससे हम मीडिया बंधुओं के सामने RTI के माध्यम से जितने हमारे पास दस्तावेज हैं और हमारे पास जितने भर्ती के अभ्यर्थी हैं, छात्र जो सालों से 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको मीडिया बंधुओं के सामने लाएंगे। लखनऊ से माई भारत के लिए निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। लखनऊ पुलिस का सराहनीय काम सामने आया है, जहां बाजार खाला थाना प्रभारी धनंजय सिंह के नेतृत्व में मील एरिया चौकी इंचार्ज नंदू और कांस्टेबल संजीव यादव ने 11 साल के लापता बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार वाले काफी खुश नजर आए। इसके साथ ही परिवार वालों ने पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर का भी आभार जताया। लखनऊ से माई भारत के लिए निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। झांसी की मऊरानीपुर तहसील से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे विरुगुआ कदौरा खखौरा गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं। कुछ वक्त पहले यहां सरकारी नाव का संचालन किया जा रहा था, लेकिन बाद में यहां प्राइवेट नाव चलने लगी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए 3 मजदूर गोरखपुर के रहने वाले थे, इसकी पुष्टि उनके परिवार जनों ने की है, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि त्रासदी में मारे गए लोगों को उत्तराखंड सरकार ने 4 लाख का मुआवजा, जबकि UP सरकार ने 2 लाख की मुआवजा राशि देने की बात कही है। इसके अलावा सरकार ने उनके शवों को एम्बुलेंस से लाने का खर्चा भी उठाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड त्रासदी में जनपद गोरखपुर के 4 लोग लापता हुए थे,
में कल जो सूचना हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार 3 लोगों की बॉडी आइडेंटिफाइड हो गई है वहाँ पे, और उनके परिजनों को क्योंकि वहाँ पर वो गए हुए थे तो उनको हैंड ओवर किया गया है, जिसमें गोरखपुर के 2 लोग, एक धनुधारी सिंह जी और एक वेद प्रकाश सिंह जी की बॉडी है, और एक शेषनाथ उपाध्याय जी हैं जो सहजनवा के केशवपुरहा गांव के हैं, तो इनका वहां पर के परिजनों को डेड बॉडी हैंडओवर की गई है। और जो शेषनाथ जी की जो परिवार वालों ने यही डिसाइड किया है कि वो हरिद्वार में ही उनका दाह संस्कार करेंगे, और बाकी जो 2 लोग हैं वेद प्रकाश सिंह जी और धनुधारी सिंह जी की पार्थिव शरीर गोरखपुर आ रहा है और रास्ते में है अभी, और रेगुलर उनके परिजन भी उनके साथ है तो हम लोग रेगुलर अपडेट उनसे लेते रह रहे हैं। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। बाराबंकी में सोमवार को बाराबंकी क्रिकेट लीग BCL का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक जमुना प्रसाद ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता में अलग अलग जिलों के 16 टीमें भाग ले रही हैं। इसके साथ ही BPL की विजेता टीम को 77,777 रुपए और रनर टीम को 35,333 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। जिले के KT सिंह बाबू स्टेडियम में खेले जा रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 दिनों तक 10-10 ओवर के मैच खेले जाएंगे, जबकि मैच में हैट्रिक पकड़ने वाले को 501 रुपए का इनाम, कैच पकड़ने वाले को 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले तो मैं बाराबंकी की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड काल के बाद एक ऐसा बड़ा और भव्य आयोजन किया उन्होंने क्रिकेट खेल के रूप में, क्योंकि बहुत दिनों से सभी लोग ऐसे लग रहा था कि हम लोग कहीं गायब से हो गए हैं, पूरी जनता गायब सी हो गई है, और एक फील्ड में आकर के एक मैदान में आकर के सबको जोड़ना और सभी को फिर सामने लाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो यहाँ की ऑर्गेनाइज कमेटी ने किया है, और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा और भव्य कार्यक्रम आएगा। बाराबंकी से माई भारत के लिए उमर की रिपोर्ट। लखनऊ में 21 फरवरी को आयोजित होने वाले मिस्टर मिस और मिसेस फैशन आइकन UP 2021 के मॉडलिंग का ऑडिशन गोरखपुर के कोतवाली क्षेत्र के गंगेश चौक स्थित एक कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें मॉडलिंग, डांसिंग और सिंगिंग के लगभग 50 कलाकारों ने परफॉर्म किया, जिसमें से 15 कंटेस्टेंट को चुना गया। इन कंटेस्टेंट में डांसिंग के 3, सिंगिंग के 2 जबकि मॉडलिंग के 10 लोग शामिल हैं। मॉडलिंग का ऑडिशन है मिस्टर मिस एंड मिसेस फैशन आइकन यूपी 2K21 का, और इसका हमारा फिनाले है 21 फरवरी को। अभी हमारा ये अप्रॉक्स में जा रहा है 25 अबव जा रहा है, केवल जो है मिस का और मिस्टर का भी ऐसे ही हमारा जा रहा है 25 अप्रॉक्स में। ये हमारा शो जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा लखनऊ में। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। लालकुआ में BJP के पूर्व नगर महामंत्री एवं नगर पंचायत के पूर्व सभासद पवन उर्फ नीलू चौधरी के निधन पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा के सभागार में शोक सभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोक सभा में जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, विधायक नवीन चंद्र दुमका सहित मंडल के पदाधिकारियों ने पवन उर्फ नीलू चौधरी के निधन पर गहरा शोक जताया। हमारे छोटे भाई के जैसा बहुत ही एक कर्मठ, जुझारू हमारा कार्यकर्ता, जिसको हम सब लोग प्यार से नीलू कहते थे, पवन आज इस दुनिया में नहीं है। मन को बड़ा कष्ट देने वाला यह है जिस प्रकार वो हमारे बीच से अचानक से चले गया, हम सब छोटे लोगों को निशब्द कर गया। वो जिनसे जब से उसकी बीमारी की खबर हम लगातार सुन रहे थे अस्पताल में, बहुत मन को कष्ट हो रहा था। हम लोग कल्पना करते थे कि वो ठीक शीघ्र ही वापिस आ जाएगा। लाल कुआं से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के लालकुआ में राजस्व विभाग की लीज निरस्त भूमि पर कब्जा जमाए बैठे कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं लीज निरस्त भूमि को कब्जे लेने की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान बेरोजगार संगठन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा, लालकुआ में बस अड्डा, पार्किंग स्थल, फायर स्टेशन, क्रिकेट स्थल समेत और भी कई स्थलों को बनने की मांग सालों से नगरवासियों में बनी हुई है। इसको लेकर किसी भी जन प्रतिनिधि ने आज तक कुछ नहीं किया। ये बस अड्डे की मांग को लेकर, पार्क की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था और उस विषय में कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। जो लीज भूमि निरस्त जो लीज भूमि है वहाँ पर बस अड्डे की हमने मांग की थी, और भी जितने भी जन समस्या जो उस जगह से समाधान निकलता है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने आज फिर पुनः जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा है
अब उत्तराखंड बेरोजगार संगठन अब इसमें उग्र आंदोलन की तैयारी करने की तैयारी कर रहा है। संगठन द्वारा अभी एक ज्ञापन मुझे दिया गया है जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है, जिसमें यहाँ पे जो भी लीज निरस्त भूमि है उसमें इनके द्वारा पार्किंग बस अड्डे आदि के लिए भूमि चाही गई है, इससे रिलेटेड ये ज्ञापन है जिसे मैं जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रही हूँ। लाल कुआं से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियुटिया ने चमोली हादसे में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बचाव राहत कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी के अभाव में लेट लतीफी हो रही है, जिसके कारण इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई है। आगे कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि वो खुद घटनास्थल का दौरा करके आए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री का मौजूद होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि सरकारी मशीनरी और उपकरणों का होना ज्यादा जरूरी है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सके और आपदा प्रभावित लोगों की जान बचाई जा सके। जो है हमें नीति तैयार करनी चाहिए कभी भी आपदा, क्योंकि ये बफर जोन 5 में, सिस्मिक जोन 5 में आता है और सिस्मिक जोन 5 में आने की वजह से इस पर जो निर्माण हो रहे हैं तो उस पर जो है उसकी तकनीकी और पर्यावरण पर काम करते हुए उसकी जो है सुरक्षा का ऑडिट होना चाहिए। सरकार के इंतजामों किस तरह देखते हैं, पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले, कई चीजें देरी काफी देखने को मिली। देखिए उपकरणों का बहुत अभाव था, मौके पे मौजूद होना एक अलग विषय है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए तैयारी की रणनीति की योजना एक अलग विषय है। मैं मौके पे मौजूद होने से काम नहीं होते, क्योंकि सरकार जो है मुख्यमंत्री मौके पे जरूर मौजूद रहे, लेकिन रणनीति के अभाव में लोगों को नहीं बचाया जा सका। हल्द्वानी से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लालकुआं में कांग्रेस के प्रदेश सचिव विजय चंद्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का भी आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर समाप्त हुए हैं। जरूर यहाँ इस समय स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हैं, क्योंकि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, विकास की राजनीति में ही ज्यादा दर्द यहाँ पे है, क्योंकि ये लोग विकास की बात कह के सत्ता में ये लोग आए थे कि हम चौमुखी विकास करेंगे, मगर आज देखिए चौमुखी विकास तो बहुत बहुत दूर की बात है, कोई भी विकास के नाम पे यहाँ पे जीरो हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पे आप, आपके संज्ञान में होगा कि गोलापार जैसे हमारे ISBT बनना था, बंद निर्माणाधीन ISBT को इन लोगों ने वहाँ से हटवा करके और नई जगह बनाने की बात बोली थी। 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक नहीं बनाए इन लोगों ने, अब भी नहीं बना पाएंगे, और ये क्षेत्र की जनता के साथ छल के अलावा कोई कार्य नहीं है। आज ISBT बनता तो क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जाम की स्थिति नहीं होती, क्षेत्र से जाम की निजात मिलती और उसके हाथ में लोगों को रोजगार मिलता, और जिससे ये लोग आज इन सब से इन लोगों को हटा करके इन्होंने उस दिशा में कोई कार्य नहीं। बिंदु गतला को रहा है उसके मामले में, इन्होंने कहा था नगर पालिका अच्छी खासी हमारे हरीश राव जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बनाया था, मगर इन लोगों ने राजस गांव को उसको बोला हम राजस गांव बनाएंगे, और इन्होंने नगर पालिका को वहाँ से हटाओ करके नारा दिया था, हमको नगर पालिका नहीं चाहिए, हम तो राजस बनाएंगे, मगर कहाँ उस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। नगर पालिका तो गई राजस की, और एक भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक इनके MP और MLA तक वो दिशा में बात करने से कतराते हैं। लालकुआं से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।